कल संडे है, अगर YouTube फैमिली पूरा संडे रूटीन देखना चाहती हो हम तीनों का अपना अपना शूट करेंगे ओके। लेकिन हाँ बताना कि हम अपना संडे रूटीन ऐसे डाल लेंगे, आर संडे रूटीन करके डाल लेंगे, तीनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। गरम तेरा चश्मा, आज ऐसी मस्त रील शूट करी तो ये किस्मत की गाड़ी को धक्का ही लगवा दिया। अगर किसी को मोटिवेशन की जरूरत है तो आज वाली रील देख लेना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन। मेरे हाथ नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करता, एक्ट नहीं है, खाली मेरे हाथ है ही नहीं सही में। भाई बहुत बुरी आदत लग गई मुझे तो शाम में सोने की। लेकिन एक अच्छा था तो बताऊं, वो बेडशीट उठाऊं से देख तुझे कितना अच्छा काम कराऊंगा कि तुझे भी यार सारे कपड़े गिरा दिए। देखिए यार लड़का ये है काम का लड़का, ये उठाएगा बैग। बड़े भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं, बड़े भाई घर का खर्चा निकाल ले। तो अभी हरी भाई का फोन आया था, उनके आए आज पार्टी, तो उनके फ्लैट पे जाएंगे अभी, मतलब जाएंगे क्या, मैं अकेले जा रहा है तो जा नहीं रहे, क्योंकि वहां पे मैं ऐसे कुछ एंटी सोशल काम कर भी सकता हूँ जो इन्हें पता भी नहीं चलने के, वो ही हो जाएगा, रात गई बात गई, वहीं का वहीं दब जाएगा सारा मैटर। इसलिए मैंने इन्हें ब्रेन वॉश कर दिया कि नहीं ढाका तेरा कल सुबह UFC मैच है तो तू जल्दी सो जा, और रचित को काम है, मैंने तुझे अपनी अगली वीडियो पर काम करना, तो शूट कर रहा था, मैंने कहा वो कर एडिट, साहब अकेले जाएंगे। मैं पार्टी का क्या यार, पार्टी मैं कराऊंगा, ये तो कन्यादान है, देख वापस आ जाओ, इन्हें कैसे पता चलेगा कि साहब पूरी रात वापस ही नहीं आने के। तो मैं कंफ्यूज था कि मैं जूते कौन से पहनूं, तो मैंने फिर डिसाइड किया मैं चप्पल पहन के जाता हूँ, स्टैंड आउट भी करूंगा और पता भी लगेगा कि ये तो इनका पड़ोसी है, जैसे वहां पे ग्रिल सारी होंगी तो उनको सुने समझ जाएंगे कि ये पड़ोसी है इसलिए इतना लेट आया, तो यही पहन के जा रहा है यार। मन नहीं यार कौन जूते पहन के यार, वो भी अपनी सोसाइटी में, चल तो मैं ही चलूंगा मैं बोरिंग सी पार्टी में। देख मैं बता रहा इतना कुछ जरूरी नहीं था मेरा जाना, पर कहना थोड़ा सोशल लेने के लिए जाना पड़ेगा, अगर वहां लड़कियां हुई 5-6 कम तो मैं तुझे परेशान करूं नहीं, और अगर 5-6 ज्यादा हुई फोन कर देगा क्या ब्रो, कोड आ जाएगा एकदम मैं आई मैसेज पे, एक आदमी नहीं 5 बता रहा, अरे बता मी विद माय ईगो सब बेच दे लाइक डैम संडे को कोई नहीं जाता, इसे किसी ने बता दिया संडे को जा रहे लोग, तुझे कल जाना ना कन्फर्म है ना, टांगे छुपा लू तो मुझे सबमिट करके दिखा दे। हाँ और अगर तू सबमिट हो गया तो तुझे एक दिन रुकना पड़ेगा, आज मैंने जिम में लेग मार रखी तो जाननी है पहले लेट ना यहाँ वहाँ क्या, अच्छा लेट हो गया, पहले ही दोनों तरफ के एक्सक्यूज दे दे, पहले ही हो गया, मैं सबमिट करा दूंगा, मैं सबमिट करा ही दूंगा, 3-2-1 चलना। मेज का कोना लगता दिख रहा मुझे सर में करण के भाई साहब, ओह अरे नीचे रह गिर जाइए भाई, लैपटॉप लुपटॉप डाल ले यहाँ से, ओह भाई तुम तो पागल हो भाई चोट लगी ना ना घुटना लगा बढ़िया ही मेरा घुटना लगा, मैं इसकी बैग लू तो ये पीछे कोई मुड़ गया यही तो मना करी जा, ये सब सही नहीं है जो करा इन्होंने बैठा है, और मार इतना तगड़ा दिया तो मेरा हाथ दूर है पूरे दिन, वो खावे स्कूप खावे आइसक्रीम के जिम जाके मिट्टा बिल्लो जा, जैसे तुम में प्यार है सेम कलर का पहनने है लोग कच्चा लोग, कल तो लग गया विकलांग कोटा बस वैसे लेकिन वीडियो का टाइटल मिल गया कल की लड़ाई हो गई, नहीं लड़ाई से ज्यादा पता क्या चलेगा ये बैंड पे क्या हो रहा है। नहीं सुन एक काम कर, हाथ आगे रख दोनों, हाथ तो आगे रख और पिछवाड़ा उठा एक बार उठा दो, भूख लग रही इस टाइम, ये बताऊं मैगी कौन सा बनाऊं, मैगी मजा आ जाएगा अगर मैगी बना, सीजन में हारेगा वो बनाएगा, पहले तुम दोनों का फिर मेरा करण का और फिर जो दोनों विजेता होंगे उसका वो मैगी बनाओगा रात को 2 बजे, 3-3 राउंड है, एक एक ही है, चलो स्टोन पेपर सीजर, अरे चल तू ही बना राजा, सीधा भेज दो इसे स्टोन पेपर सीजर, अनडिफिटेड हूँ, नहीं पहले मेरा करण का ना, मैं तो मैं फाइनल्स में जा चुका, अरे हार जाएगा मेरे साथ, स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर, चलो भाई कौन जीता एक बात बताओ, जीतने वाले को बनानी मैगी यो भी ध्यान रखिए, नहीं हारना पड़ेगा, स्टोन पेपर सीजर, चल भाई जीतता तो मैं या मैं हार गया, तू हार गया खड़ा हो ले भाई, मेहमानों से बनवाना चाहिए तो हम ही बना रहे, तुम ही बना लो मैं जूस पी रहा हूं, सुन तो करण एक बार इसी पोजीशन मेरे हाथ दोनों आगे रख ले, घुटना भी ऊपर रखे वाला वो अलग, अरे ठीक पोज बनवाता बहुत, नहीं मुझे पता क्या बनवाओ कमर का कड़ा ठीक हो जाता, कहाँ पार्टी में देख रहा इसकी, हाँ क्यों क्या करना था तुझे, क्या करना था तुझे लड़कियों का, कौन लड़की जिनके बारे में पूछ रहा था अभी, नहीं यार भाई वहाँ लड़कियां भी थी, कहता ना 5-6 लड़कियां होंगी, लड़कियां थी और ब्लॉग भी देखे थी, किंग ही बैठे थे एक सोफे पे, यही होना चाहा, और थोड़ी देर में किंग आ जाते बस, यही बैठे थे किंग चुप ही बैठे थे, मुझे लगे कोई बोल रहा नहीं तेरे से, वो एक नेम नहीं,
दे डोंट नो आई हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. तुम जूस पी रहा क्या? हां एक चीज और पियूं? नहीं रहने दे. मैं ही गोन बना रहा था पूरे दिन, लेजी पड़े रहे. रात में ऐसे एक्टिव हो जा 12 बजे के बाद, वैम्पायर देख जा. और इधर से क्या एंगल आ रहा, कोई कुछ हरकत करके दिखा दो. अब करके दिखो, फट रहा एक बार. नहीं हुआ था, नहीं दिखा कौन करे, एक बार छींक लगेगी बस. मुझे ऐसा लगे तेरी एजुकेशन पे पैसे वेस्ट ही हो गए. मम्मी भाग रहे जब मैं गाली वाली दे दू ना लोग में. यू कहते कौन कह गया इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रखे. मैं पता, मैं दीदी को ना बचपन में दीदी ने बोल करू था, नाम लेके बुलाया करू था, तब भी मम्मी वही कहती दीदी बोल शर्म आ गई थी पता नहीं क्यों. मगर कभी ऐसे ही खुद से निकलेगा तो बोल दूंगा. फिर कहती दीदी बोल लो. तो फिर जब मैं बोल लूंगा तो कह रही थी कौन कहता इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रखा था मैं. और एक हमारे पुराने स्कूल में पता क्या सिखाया था मैं, कि जब भी रात में कोई घर पाओ उसे गुड इवनिंग बोलना. तो मैं पापा को बचपन से गुड इवनिंग बोल लू घर पाते. एक क्यों सिखा रखा था कि घर जाते हैं मम्मी पापा के पैर छूने पर. यार मैं सबके छू सकू थोड़ा, मम्मी पापा के मम्मी पापा के मुझे लगे आग लग रही. मुझे ऐसा लगे हमारे लिट व्लॉग्स चला दिए होंगे किसी ने. अब तो यार मतलब ऐसा हुआ है ना कि घर जाते हुए दीदी को भी नमस्ते करनी पड़े बहुत बार. तो सबसे अगर ऐसा हो तेरे घर वाले कह लगे कि भाई हर्ष को देखते ही नमस्ते करनी है. दीदी और जीजा जी पूरे चिले तो ना नमस्ते करते थोड़ा ऑकवर्ड लगे. एक बार मैंने यूं ही फोन उठा के बात करनी शुरू कर दी जीजा जी से. मम्मी कह रहे थे तो तमीज नहीं है, यूं नहीं है, वो नहीं है. फिर करने लगे भाई अम्मी नमस्ते. वे भी नमस्ते ऑकवर्ड हो गई ले मैं. और अम्मी नमस्ते ऑकवर्ड हो गई करें. यू नहीं पता नहीं वो 2022 वाले जीजा है जीज है. अब पता तुझे बोतल कौन भर रहा अभी रखी हुई थी? गैस करो. काली वाली तो मैंने भर काया था मैं, बाकी नहीं पता. गैस तो करो बिल्कुल फ्रेश दोगे कौन भरेगा? अच्छा भर नहीं है क्या? भर तो दूंगा मैं यार, मैं ही बनाता बस मेरे लिए. तो एक काम कर बोतल ये पोछा भी मार लेकिन पहले. यहाँ तू पोछा ले क्या आज? यही काम करके दिखा जा पोछा ला एक बार. पोछा है कहाँ घर में? मैंने तो आज तक देखा भी नहीं कैसा है पोछा. ये रेड कलर का है क्या भाई? इसमें छने हुए चावल आया तू इसका ना पोछा मार दिए. वो पोछा ऐसा वो हमेशा पोछा. रचित कोई टोटका है इस गिलास में? रचित इसमें पानी भर के छोड़ दे हमेशा. पिछले 3 दिन से देख रहा मैं ना 1.5 गिलास पीऊं तो 1 पीलूं फिर आप पूरा भरूं इसे. लेकिन अब से याद रखो नहीं टोटका दिख रहा मुझे इसमें कुछ. अरे गिलास भी 100 पाइपर्स का. अगर करण सो गया होगा तो मैगी नहीं बनने की. अगर जग रहा हूँ अगर वो फोन में लग रहा होगा ना तो बर्बाद है वो अभी भी. करण अच्छा टॉयलेट में क्या? एक बार देख परेशान करो सा थोड़ा सा. आओ सुन अबे यूं बता मैगी में वेजिटेबल्स डाल लूं या नहीं? फिर वो डाल दूं क्या नाम टट्टे मशरूम खा ले क्या? अभी तो मशरूम निकाल रहा हूँ फिलहाल तो. अभी बड़े लेवल की है. अच्छा बकचोद है सो जा रहा तू उसके साथ नंगा. सही बकचोदी दिखा लिपट के सो जाए कंबल में इसमें नंगा इसके तो बस कोडिंग है इसके अंदर. कर दी प्रोग्रामिंग कैंसिल नहीं करा तो अपना वही है. अरे सर फ्रिज में रख देगा अभी जूस को खत्म हो गया. खाली पानी की बोतल रखो रखे है जो बढ़िया फ्रेश फ्रिज में. कितनी भरी होगी? हाँ रख देगा. पानी की बोतल है बराबर ही भर रहा. कितनी भरी अब तक काउंटिंग क्या है? कम से कम 100 बराबर का मतलब इतनी रखे तीनों. देखा मैं बता रहा कल संडे है. अगर YouTube फैमिली पूरा संडे रूटीन देखना चाहती हो हम तीनों का अपना अपना शूट करेंगे. ओके तो कल संडे रूटीन डालेंगे अपना अपना और उसके बाद मंडे को तो बहुत ही ट्यूजडे मंडे वाली वीडियो ट्यूजडे में आएगी. हाँ मंडे शूट करेंगे वीडियो बहुत क्रेजी वीडियो ट्यूजडे में आएगी. लेकिन हाँ बताना कि हम अपना संडे रूटीन ऐसे डाल लेंगे और संडे रूटीन करके डाल लेंगे. तीनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है. कल मतलब सोते ही शुरू हो जाएगी वो वीडियो. सोते हुए का भी बना सकूं मैं यार. आज का दिन ऐसा होना चाहिए कि घर वाले भी हमें माफ कर दें. हाँ. मतलब चेक्स ड्रिंक्स नशे सब कुछ इस फ्लैट पे बस जो ना हो वो कल्चर सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं प्रतिष्ठा तो वो वाली हो लेकिन स्कूल वाली प्रतिष्ठा थी हमारे स्कूल में कोई नहीं. हमारे स्कूल में प्रतिष्ठा नहीं थी कोई ले मैं बता रहा. अरे जोक था यार ये. हमारे स्कूल में थी अंजलि आस्था. हाँ हाँ यार अंजलि आस्था शिवानी दुनिया भर की शिवानी. एक लड़की का नाम देखा था मैंने बताई तू नाम से अट्रैक्ट हो गया था मैं. रोजी लिन कितना बढ़िया नाम है. रोजी लिन यार मतलब यार हिंदी होना चाहिए. हिंदी नाम अच्छा बताओ ना तुमने जो सुना हो लड़की का. कितना भी बेसिक नाम हो अगर आदमी बढ़िया है ना नाम अच्छा लगेगा उसका. मेरा नाम तो बढ़िया लगता होगा फिर सबको. यार मैंने सारे लक्ष्य बेकार ही देखे. रुक जा भाई हिसाब गढ़ने अपना. इस महीने कितनी वीडियो एडिट हुई मैं करते रहा हूं. वापस कर दे जो पैसे बच रहे. इस महीने जितनी एडिट हुई हिसाब से मुझे वापस दे दे क्योंकि कोई भी अच्छी एडिट नहीं हुई. वही है गुड नाइट क्यूटीज. इसे आज मिला के वो पिला दिया जमाल गोटा. आज मुंह मिला के पिलाते हुए तमीज हो गया यार. हर बात में मैगी का ट्यूटोरियल देंगे आज.
सही कह रहा मैगी बनाने का सिखाऊंगा। वैसे बढ़िया तरीका है मेरे से मैगी बनवाने का, लेकिन कोई नहीं। तो सबसे पहले अपनी किचन में ऐसे दराज खोले, नीचे हो गया आपके किचन में भी दराज, पक्का सबके यहीं हो गया। इसमें बनाना है किसमें, लेकिन कितनी बनानी है, कितने लोग हैं? एक दो बड़े में बना, बड़े में। पहले इसको पानी ऐसे साफ कर लेंगे। अबे कुछ साइकोस कच्ची मैगी भी खा जाए यार, मैंने देखे, खा के दिखा दे आज कोई साइको। कच्ची मैगी मैंने खाते हुए देखा है, खाते को साइको पास ही है वो लोग जो खाते होंगे। तो पास सही नहीं है, तो एक बार मैं ट्राई करके देखो क्या भाई। अगर आप बिल्कुल खत्म है तो आप खा सकते, मेरे रहने में ऐसे खाना पागल है क्या? इसमें डालिए मैगी, आप मेरे हाथ से कुटी हुई मैगी टेस्ट देगी अलगी, कि मैंने वॉशरूम करके धोई नहीं। रीजन है बढ़िया, काट दो यार ये काटो। इसके जैसा पैकेट मैंने कुछ कोई कहीं देखा है ना, वो खाया करता था तो पहले सुपारी शायद उसका ही था। CONDO वो बना दो क्या, वो फैंटा मैगी भैया पानी में नहीं फैंटा में मैगी बनाते हैं, तो देखिए कितनी स्वादिष्ट लगेगी ये मैगी। मैं मैगी के साथ भी फैंटा ना पीऊं। एक मिनट यार, लेकिन मैगी के साथ पियेंगे क्या? कुछ पीने का तो है ही नहीं। ओ भाई साहब, ये खीरा खाने के लिए मंगा रखा है या फैंटेसी के लिए मंगा रखा? मैसी भी है डैम, तूने ऑर्डर किया था ना आज, लग रहा देख के। अब कितना बना के दे, इतनी मैगी अगर हिमाचल में बन जाती तो 1000 रुपए थे। बात तो सही है, और तुम्हें उसी रेट पे दूं क्या? ये बाद में जो मैं फिनिशिंग टच दे रहा ना, इससे टेस्ट निकलेगा इसका। यार मैं कभी कभी ये सोचूं कि लड़कियां कितनी परफेक्ट हो, खाना पीना सब मैनेज, और बाहर का काम मैनेज, घर मैनेज, जॉब मैनेज। अब तक लड़कियां घर को मैनेज करा करती, अब वाली लड़कियां बाहर भी मैनेज कर रही। बताओ मतलब ये चीज मैं बहुत नोटिस करूं, जब भी मुझे किचन का काम करना हो मम्मी के लिए वही हो जा आई सल्यूट सल्यूट लोगी बजते सल्यूट। मेरी मम्मी को पसंद नहीं घर का काम करना, लेकिन फिर भी करें यार, तबीयत खराब हो तो भी करें। आप देख हमारा कैमरा एंगल इस टाइम खराब होगा जैसे हम तब भी बोल रहे, देख लो यार सही कर लो, अब सही होगा। सर्विंग टाइम आ चुका, सर्विंग तो भाई भूख इतनी लग रही, मैं तो अपने डाल रहा, फिर मेरे से ना पूछो किसे मिली और किसे ना मिली। एक काम कर बस, तू और मैं अपनी डाल रहे, अगर वो होता नहीं उसमें कैदियों के लिए डालने। थैंक्स यार, इतना मतलब ही तो हूँ मैं। खाने के भाई खुद ले गया हो? निहाल भाई, शक्ति भाई कहाँ हो? देखो शाम में कौन आया, संडे मनाना है ना।